चैनल चेंज, अभी तक हम मैक्रो की बातें कर रहे थे, अब बैक टू आईईडी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर एवर। ध्यान से देखना, आईईडी में हम क्या सेगमेंट स्टडी कर रहे हैं, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में हमने पहले क्या करा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ये नहीं है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट शरीफ सा छोटा सा चैप्टर, दो क्लासेस में आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मार्क्स हैं जैसे मर्जी आए, बट इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनका पर्पस है आपको नॉलेज देना, बट आपका काम है मार्क्स लेना, ठीक है ना। तो अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो मार्क्स भी आएंगे और आगे जिंदगी में थोड़ी बहुत बातें भी याद रहेंगी, तो वैसे करना। पॉइंट इज कि अंडरस्टैंड भी करना थोड़ी बहुत बातें, और याद तो करनी ही पड़ेंगी। सर समझ आ गई, बस याद नहीं हुई, जीरो मिलेगा आईडी में। आईडी हैंडल नहीं हो सकती अगर याद नहीं कर रहे साथ साथ, क्योंकि एक राउंड नहीं, कम से कम 3-4 राउंड्स लगते हैं याद करने के कि आप एग्जाम में आंसर लिख पाए प्रॉपर लैंग्वेज के साथ। वरना आप तो आंसर लिख के ही आते हैं, ऐसा नहीं कि आप खाली छोड़ के आते हैं, बस पसंद सा नहीं आता उनको। चलो, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डन। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। जब हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है, तो हमारा फोकस किस पे ज्यादा होना चाहिए? रूरल, हम कौन है? गवर्नमेंट। तो हमारा फोकस किस पे ज्यादा होना चाहिए? रूरल एरियाज। क्या है उनकी दिक्कतें, कैसे हम उनकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? हम कौन है? गवर्नमेंट। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव इन रूरल एरियाज वेयर दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अराउंड 22% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। रूरल एरिया में तो बहुत ही हाई परसेंटेज है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे स्टिल लिव इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज वो कह रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पुअर दे लिव इन रूरल एरियाज। पुअर की बात हो रही है अभी, 22% दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। एग्रीकल्चर विद द मैक्सिमम शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी हैज ग्रोन एट अ मीगर 2.7% इन द लास्ट 50 ईयर्स। ग्रोथ रेट पर एनम 2.7%, 50 साल का ग्रोथ नहीं बता रहे, 2.7% पर एनम ग्रोथ, मतलब बहुत 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 कम है। ड्यूरिंग 2007-12 एग्रीकल्चरल आउटपुट हैज ग्रोन एट 3.2%। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी वाज ऑन अ डिक्लाइन एंड देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है, टर्शरी सेक्टर की बढ़ रही है, प्राइमरी सेक्टर की नहीं बढ़ रही। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी डिक्लाइन। हाउएवर पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज। मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर वो कम नहीं हो रहे, बट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू द जीडीपी वो कम होता जा रहा है। मतलब प्रोडक्टिविटी कितनी लो है, मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है। दैट इज येट टू बिकम प्रोडक्टिव इनफ। अनप्रोडक्टिव सेक्टर है ये बहुत ज्यादा। मोर ओवर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसलरेटेड। बढ़ने की जगह कम होना शुरू हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं करा, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कुछ नहीं करा ड्यूरिंग 1991 टू 2012 विच वॉज लोअर देन दी अर्लियर ईयर्स। ड्यूरिंग 2014 टू 15 क्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर वॉज लेस देन 1%। एज पर सम स्कॉलर्स डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिंस 1999। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर वॉज द मेजर रीजन फॉर दिस। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्री और द सर्विस सेक्टर इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट
फर्दर ऑब्स्ट्रक्टेड द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रूरल एरियाज एंड द रूरल पीपल आर डेवलप्ड, सो दैट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी अचीव्ड. अर्बन रूरल डिवाइड को ब्रिज करने की कोशिश. कह रहा इंडिया है, इंडिया है ना, अर्बन और रूरल क्या होता है? तो अगर रूरल एरिया ग्रो करेगा तब ओवरऑल ग्रोथ होगी, अदरवाइज अर्बन एरियाज में तो इम्प्रूवमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिसेंट है, बट रूरल एरियाज में नहीं है उतना एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. तो प्राइमरी फोकस गवर्नमेंट का किस पे होना चाहिए? रूरल डेवलपमेंट पे. रूरल डेवलपमेंट, सो व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट? बड़ा ही हरा भरा है रूरल डेवलपमेंट रेफर, ये तो हमारे से अच्छा लग रहा है, हमारा एरिया डेवलप होने की जरूरत है. रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस. सोशल इकोनॉमिक, तो नॉट जस्ट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एटीट्यूड माइंडसेट भी थोड़ा सा अपग्रेड करना है लोगों का. तो रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूस, ये नहीं कि भाई एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी जी बस ठीक है बाकी अपने आप संभाल लेना. नो, इट इज अ ग्रेजुअल एंड अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर विद मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट. सो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड द रूरल पीपल. हाउएवर द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली द एग्रीकल्चरल सेक्टर, नॉट ओनली द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बट इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस. कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सिर्फ एक ही एरिया पे फोकस नहीं कर रहा. इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. इट एम्स एट इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस. रूरल पीपल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. हाउएवर दे हैव ऑलवेज लैग्ड मच बिहाइंड द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल ट्रेंड स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट बिगैन टू बी डिजाइंड सिंस द 70s. इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ 5-year प्लान्स ऑफ द कंट्री, मतलब इन एडिशन टू 5-year प्लान में तो जो चल ही जाता, उसके अलावा इन ऑर्डर टू ओवरकम द अनडिजायरेबल ट्रेंड. व्हाट वाज द अनडिजायरेबल ट्रेंड? पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर ओनली. रूरल पीपल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हाउएवर दे ऑलवेज लैग्ड मच बिहाइंड द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी. कह रहे सारे मेजोरिटी लोग रह वहां रहे हैं और वो एरिया ही अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड है, ये तो दिक्कत है. जहां मेजोरिटी लोग रह रहे हैं वो एरिया डेवलप नहीं है, तो इट इज नॉट अ गुड साइन. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल ट्रेंड स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट बिगैन टू बी डिजाइन. 2/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन द रूरल एरियाज. दो अलग बातें. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस क्रेडिट, रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर रूरल पीपल, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस. सो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर. पहला रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग, मतलब क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर द रूरल पीपल. दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और तीसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ वही, इन इट्स सिग्निफिकेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अभी हमने सिर्फ क्या सुना? मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट एग्जैक्ट पता होना चाहिए. इट रेफर्स टू द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग, अरे हम कोशिश कर सकते हैं बाकी तो भगवान के हाथ में, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव
ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ. सो कॉम्प्रिहेंसिव, दे आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, दे आर फोकसिंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज.